global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुंबई रफ्तार में। आप लोगों को मैं बोल दूं दोस्तों कि आज हम आ चुके हैं दहानु बीज, जो पालघर जिला है जिसका और महाराष्ट्र का एक ये हिस्सा है। हालांकि ये जो बीज है हमेशा खचाखच भरा रहता था जनता से, आज यहाँ पे जो जनता है, कानून यहाँ पे लोग हैं जो सरकार के जो नियमों का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पुलिस वाले लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो जनता है, जहाँ पे जो उपयोगी है वही काम कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने के लिए। आप देख सकते हो चारों तरफ की कोई जनता और कोई पब्लिक यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे जो धारा लगाई है 144, उस हिसाब से यहाँ की जो जनता है उस कानून को बहुत ही अच्छी तरीके से मान रही है। और ये देख सकते हो दहानु रोड का बस स्थान है, जो यहाँ पे बहुत ही सुनसान है। हर समय भीड़ भाड़ होने वाली जगहों पर आज सुनसान दिख रहा है। किस हिसाब से यहाँ के लोग हैं जो जागरूक हैं उस नियम को लेके और उस उद्देश्य को लेके, तो हर तरफ सुमसाम ही सुमसाम नज़र दिखाई दे रहा है। ये मेन रोड है दहानु का, जहाँ पे आप स्टेशन के तरफ जा सकते हो। यहाँ से तीन रोड गई है, एक बीच के तरफ और एक चारोटी के साइड और एक दहानु स्टेशन के साइड। हालांकि स्टेशन के साइड पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं और आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ जाछ करने के बाद ही जाने दे रहे हैं। यहाँ पे तीन या चार लोगों से ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। और किस हिसाब से हम देख रहे हैं वहाँ पे कि जब दहानु रोड स्टेशन पे गए और वहाँ पे जब देखे कि जो टिकट काउंटर है और जो वहाँ का बीज है, मेन बीज जो चलते हैं पब्लिक, वो भी एकदम सुनसान है। किस हिसाब से यहाँ पे जो पब्लिक है एकदम घरों में बैठी है और उस कायदा और उस कानून का पालन करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बता दूँ यहाँ पे जो ये दहानु रोड का जो रेलवे बीज है, यहाँ पे किसी समय रोज सुबह आवाजाही रहता था, पर आज जो है धारा 144 लगा हुआ है, इसके वजह से जो यहाँ की जनता है काफी जागरूक है इसके ऊपर कि जो सरकार का जो कहना है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, इसके वजह से जो हमारी जनता है अभी घर के अंदर ही है। और आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का ये जो स्टेशन है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। और जब हम दोस्तों बाइक से निकले तो देखे कि पेट्रोल पंप है जो खुला हुआ है। हालांकि सरकार ने इसका आदेश दिया है कि जो पेट्रोल पंप है और फिर इसके बाद दवा खाने हैं, ये सब खुला रहना चाहिए। और जब हम गांव के तरफ गए तो गांव के कुछ मेन रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं। मैंने गाँव मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।